जैतून टीवी, बदली जिंदगी। अभी मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरों की खुराक पे रिसर्च आम तौर पे जो डॉक्टर है उनकी नहीं होती। मुझे 2 साल पहले थोड़े पुंसियां दाने निकल आए मेरे जिस्म पे, मैं बड़ा परेशान था, एंटीबायोटिक खाना शुरू की। वैसे मैं एंटीबायोटिक खाता नहीं हूँ लेकिन तंग आ गया था तो मजबूर हो के खाना शुरू की, तो फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं जामे तो रशीद गया, वहाँ एक नीम हकीम, ज़्यादा बड़े हकीम भी नहीं है वो, जो ख़तरा जान जिनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने मुझे कहा कि यार काली मिर्चें भर के लो, मुँह में डालो, थोड़ी सी चबाओ, पानी से निकल लो, 2-4 दफ़ा करो, सेट हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया, पहली दफ़ा में ही सेट हो गया। काली मिर्च मुँह में डाली, थोड़ी सी चबाई और बोलो भाई, निकल ली। तबीयत हिल को गई थोड़ी सी, थोड़ी देर के लिए आंखें भी खुल गईं और अजीब सा हो गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर वो दाने गायब हो गए। दो पहली दफ़ा में ही असर होना शुरू हो गया। आप लोग ना करें अल्लाह का वास्ता, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। फिर मैंने काली मिर्च के बारे में रिसर्च करना शुरू की, डॉक्टरों से भी। एक डॉक्टर है जो खुराक के बड़े माहिर हैं, मैंने कहा, एक हकीम साहब ने बताया कि भाई ये दाने वाने फोड़े पुंसियाँ निकली वो काली मिर्च को ऐसे पानी से फाँक लो। तो उन्होंने फिर बताया कि काली मिर्च में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। फिर एक अच्छे हकीम से भी रब्ता करके उनसे पूछा कि ये काली मिर्च, उन्होंने बताया कि काली मिर्च के ये वगैरह वगैरह वगैरह, ये अभी हमारी कोई हेल्थ का चैनल नहीं है। तो पता चला कि वाकई ये क्या करती है, जिस्म में जितने भी फासिद चीज़ें हैं ये आपकी बाहर जिस्म से बाहर निकाल देती। फिर उन्होंने बताया कि जितने भी ये जो अच्छे हकीम लोग होते हैं ना, ये किचन से बाहर नहीं जाने देते। आपके किचन में हर चीज़ मौजूद है, जो आम तौर पे जो बीमारियां हो रही हैं उनसे इलाज की हर चीज़ मौजूद है। अभी परसों जामिया तो रशीद में एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने एक हेल्थ के हवाले से लेक्चर दिया, उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा, ये जो पेन किलर आप लोग खा रहे हैं, तो खुद थोड़ी सा सोचो कि जब पैनाडोल ईजाद नहीं हुई थी, उस वक्त लोग दर्द ख़त्म करने के लिए क्या खाते थे। यारी बात, उस वक्त भी तो अल्लाह ने कोई चीज़ पैदा की होगी ना, वरना क्या दर्द से तड़पते रहते थे। जाहिर है उस वक्त यही हल्दी वल्दी दूध में डाल के, गर्म दूध में डाल के हल्दी पी ली, ये कर लिया। तो एलोपैथिक दवाओं की तरफ जब तक सख्त मजबूरी ना हो मत जाएं, क्योंकि इन दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो कहा जाता है ना कि इन दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये गलत है। सबसे पहला साइड इफेक्ट पैनाडोल खाते ही क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है पेट में जाके। तो इतना हल्का नहीं है ये दवाओं का मामला। मैं नहीं कह रहा कि दवाएं ना खाएं, सख्त मजबूरी में, जब तक सख्त मजबूरी ना हो दवा की तरफ बोलो भाई ना जाएं। और बच्चों को तो हत्तल इम्कान दूर, लिखा होता है दवा पे कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मतलब ये होता है सिर्फ ये वाली पिलाएं, तो आप कहें ये वाली भी दूर रखें। तो किचन में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं कि वो ऐसी चीज़ें हैं कि वही इस्तेमाल करो, आदमी फिटफाट रहता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब आप क्लिनिक में जाते हैं डॉक्टरों की, आपको खुशबू आती है या दवाओं की एक अजीब सी स्मेल आती है? किसी हकीम के मतब में जाओ, खुशबू आती है कि नहीं आती? ऐसी बेहतरीन, ये माजू ने तबाश, वो शरबत संदल, यरक गुलाब, और ये माजू ने उस्तु खुद्दूस, ठीक है, और ये खमीरा मरावीर, ये खमीरा गाँव जबान, ऐसी ऐसे अरकियात, और क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही होती है। तो ये चीज़ें खुशबूदार हैं, ये केमिकल नहीं है, ये ओरिजिनल शक्ल में है। यानी कुदरत की, जो कुदरत ने जिस शेप में चीज़ों को पैदा किया उसके ज़्यादा करीब है। तो ऐसे मेरे पास बहुत वाकयात हैं, अगर मैं सुनाना शुरू कर दूँ तो असर हो जाएगी यहीं पर कि फलां दवा खा रहे थे लेकिन फलां चीज़ किचन में रखी हुई चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू किया तो अल्लाह ने शिफा दे दी। तो इसलिए हत्तल इम्कान अपने आप को एलोपैथिक दवाओं से बचाएं। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दें बिल्कुल, ऐसा नहीं है, बाज़ दफ़ा जाना पड़े, हम भी जाते हैं, क्योंकि हम जब जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा उस दिन तो ये कह रहे थे, अब खुद क्यों पहुँचे हुए हो। तो ज़रूरत तो सबको है भाई, लेकिन मैं हत्तल इम्कान छोटी छोटी बातों पर एकदम दवाओं की तरफ भागना, पेन किलर खा रहे, ज़रा सा दर्द है तो बर्दाश्त कर लो भाई, दर्द नहीं हो बस जिस्म में, बिल्कुल फिटफाट रहूं, बिल्कुल फिटफाट कोई भी नहीं होता, थोड़ा सा दर्द हुआ तो पैनाडोल खा लो, नहीं खाओ, थोड़ा दर्द हो रहा है होने दो, कुछ नहीं होगा, मरोगे नहीं, ज्यादा तकलीफ बढ़ रही है
پھر ٹھیک ہے اس میں بھی کوشش کریں کہ کوئی ہلدی ملدی دودھ میں ڈال کے پی لیں تاکہ درد پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر چلو وارن کھا لیا آپ نے, گردوں کا بیڑا غرق تو ہوگا لیکن وقتی طور پر طبیعت سیٹ ہو جائے گی.